हाँ तो फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग? आई होप सब ठीक ठाक होंगे। तो आज मैं लेके आ गया हूँ आप लोगों के लिए एक और न्यू यूनिक नाम, जिसको आप विदाउट अपडेट नेम के बना सकते हो, जिसमें कोई मसला नहीं आने वाला। सिर्फ आप लोग अपना नाम रिव्यू चेंज करके, जो नाम चेंज करते हैं वहीं से आप लोग इसको बना सकते हो। तो आज का ये कुछ इनवैलिड नेम है जो आप लोग लाइक देख रहे हो एरो की तरह। तो आप लोगों को क्या करना है, सिंपल सा, अगर ये नाम आप लोगों को अपनी आईडी पर बनाना है तो वीडियो को पूरा देखना और लास्ट तक देखना, तो आप लोगों को समझ में आ जाएगा, ठीक है। और जो भी मेरा भाई इस चैनल पर नया हो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो और बेल आइकन कॉल पर सेलेक्ट कर दो, ताकि कोई भी मेरी ऐसी धमाकेदार जो वीडियो आएगी तो नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचेगा। तो चलो शुरू करते हैं वीडियो। तो आप लोगों को करना क्या है, सबसे पहले आप लोगों को अपने फेसबुक में, कोई से भी फेसबुक में, ब्राउज़र में, कहीं भी अपनी आईडी लॉगिन कर लेनी है, जो आपके पास लाइक जो नॉर्मल नेम की हो और जिसमें नाम अपडेट अवेलेबल हो, ठीक है। तो मेरे पास ये आईडी है जो नॉर्मल है, ठीक है। तो इसी को चेंज करने वाला हूँ मैं। तो आप लोगों को करना क्या है, सिंपल सा, थ्री डॉट्स पे जाना है। थ्री डॉट्स पे जाने के बाद सेटिंग पे चले जाना है। सेटिंग पे जाने के बाद आप लोगों को पर्सनल इन्फॉर्मेशन में जाना है, ठीक है। देन आप लोगों को नाम वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है, ठीक है। यहाँ क्लिक करने के बाद आप लोगों को सिंपल सा वो जो नाम था यहाँ पे पेस्ट करना है, ठीक है। तो मैं बता देता हूँ तो कैसे करना है। आप लोगों को ये फर्स्ट वाला नाम लेना है और इसको पूरा कॉपी कर लेना है, ठीक है। यहाँ से कॉपी करके और आप लोगों को यहाँ फर्स्ट वाले बॉक्स में इसको डाल देना है। देन आप लोगों को सेकंड वाला नाम लेना है, ठीक है। तो लास्ट वाला नाम लेना है, ठीक है। तो ये लेने के बाद इसको सरनेम वाले ऑप्शन में डाल देना है, ठीक है, ऐसे। तो ये कुछ इस तरीके से दिखेगा। देन आप लोगों को क्या करना है, अभी रिव्यू चेंज नहीं करना। आप लोगों को क्या करना है, टच वीपीएन का मैंने पहले से वीडियो बना रखा है, अगर आप लोगों ने वो नहीं देखा तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाके वो वीडियो देख लो। और अगर आपके पास टच वीपीएन है और इसकी ऑल प्रॉक्सीज अनलॉक नहीं है, तो उस वीडियो में मैंने इसके बारे में सब कुछ बताया कि सारी प्रॉक्सी अनलॉक कैसे करनी है, तो वो वीडियो लास्ट में देख लेना, ठीक है। देन आप लोगों को यहाँ से क्या करना है, टच वीपीएन ओपन करके बेस्ट चॉइस पर जाके आप लोगों को यहाँ से स्पैन सेलेक्ट कर लेना है, ठीक है। देन स्पैन सेलेक्ट करने के बाद आप लोगों को इसको सिंपल सा कनेक्ट कर देना है, तो ये स्पैन से कनेक्ट हो जाएगा, ठीक है। इतना होने के बाद आप लोगों को वापस से रिसेंट टैब में आना है। सॉरी, लगता है ये बैक हो गया, तो मैं फिर से यहाँ पे वो नाम डाल लेता हूँ, ठीक है। मैंने यहाँ पे वापस से नाम डाल लिया है, ठीक है। अब क्या करना है, आप लोगों को सिंपल सा देख लो, अपना वीपीएन कनेक्ट है यहाँ पे, आप लोग को भी सिंपल ऐसा करना कर लेना है और देन आपको रिव्यू चेंज कर देना है, ठीक है। रिव्यू चेंज करने के बाद आपका नाम एक्सेप्ट हो जाएगा। आप इसमें से जो भी रखना चाहो, ये फर्स्ट वाला लाइक ये दोनों एरोस रहेगी, या फिर ये वाला जो दोनों एरोस अपोजिट साइड पर रहेगी, ठीक है। तो आप लोगों को जो भी अच्छा लगे वो कर सकते हो, मैं फ़िलहाल फर्स्ट वाला करना कर ले रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर मैं अपना पासवर्ड फिल कर लूँगा। तो मैंने अपना पासवर्ड फिल कर लिया है, अब मैं सिंपल सा इसको सेव चेंजेस कर दूँगा, ठीक है। तो ये नाम एक्सेप्ट हो जाएगा, कोई मसला नहीं आएगा। तो यही था आज का वीडियो। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।